अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं जी, क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है जी, हमारी एक मुर्गी जो है उसने मुर्गी ने एक चूज़ा निकाल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी अंडों को भी थोड़ा थोड़ा सा ना वो ठोकरें सी लगी हुई, उम्मीद है वो भी सुबह तक निकल आएंगे। चले मैं दिखाता हूँ जी आपको, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा जो है ना बच्चा ये है जी, ये देखें जी, ये आ गई हमारी मुर्गी। इकबाल भाई उठाएँ जी मुर्गी को, वो देखें वो छोटा सा, ये देखें क्यूट सा, ये देखें माशाल्लाह बहुत क्यूट सा बच्चा है जी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है जी, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, बहुत ज़बरदस्त है जी। ये असील का ही बच्चा है जी, असील का ही बेबी है। और बाकी अंडे भी चेक करते हैं किस किस को ठोकर लगी है। ये तो जी है बिल्कुल सालम, इसको कोई ठोकर नहीं है, ये वाला जो है ना नहीं, इसको भी कोई ठोकर नहीं है, नहीं जी इसको भी कोई ठोकर नहीं है, और ये जौन सा वाला है इसको भी कोई ठोकर नहीं है। ये इसको है जी, ये देखें जी, ये इधर से ये इसको ठोकर लगी हुई है हल्की सी, इसको खोल के देख लेते हैं, नहीं रहने देते हैं, ये खुद ही बच्चा खुद ही निकालेगा, इसको ना ही छेड़े तो बेहतर है, ये खुद ही निकलेगा माशाल्लाह जी। ये हमारे फार्म मिनी ज़ू का पहला बच्चा है जी मुर्गी का, जो हमारे फार्म पे निकला है। एक वो भी है, ये भी हमारा ही बच्चा है, हमारा ही फार्म का है ये वाला जो है, लेकिन ये हमने किसी अंडे और मुर्गी किसी को दी थी, तो हमने बच्चे तो काफ़ी रखे थे, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, अंडे तो 9-10 रखे थे, लेकिन ये निकला एक ही था। इसकी माँ जो है वो जो बीमार हो गई थी, टांगों से बैठ गई थी, वो उसकी माँ थी, और इसका जो बाप है, फादर है, वो बड़ा आउट क्लास था। ये माशाल्लाह जब बड़ा होगा ना फिर आपको इसका दिखाएंगे, ये बड़ी कमाल की आइटम बनेगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी रख दो इकबाल भाई इन, इसको दोस्तों रख देते हैं जी इस मुर्गी को अब, क्योंकि ये अभी जाए अंदर, इसको हमने इधर नहीं रखा उधर ही रखा है, तो रख दें इकबाल भाई। अच्छा जी दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।